नमस्कार साथियों, आज हम लोग एसी के रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो भी आदमी एसी टेक्नीशियन है या फिर सीख रहे हैं या फिर अभी कोर्स की शुरुआत किए या फिर काम करना अभी फील्ड में शुरू किए, वो सबके लिए सबसे पहला जो काम होता है इस फील्ड का सबसे पहला काम रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रॉपर है कि एसी काम करता कैसे, ठंडा कैसे करता, गर्म कैसे करता है कि नहीं। एक्चुअली यानी एसी जो किसी रूम में अगर लगा हुआ है तो रूम को ठंडा कैसे करता, और किसी जगह पर ठंडा प्रदेश में लगा हुआ है उस रूम को गर्म कैसे कर देता। मेनली पूरा यही जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया में मेन जो काम करता है पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल उसको बोलते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल के मदद से ही पूरा क्या होता है ठंडा और गर्म किया जाता है। जहां पर ठंडा जो होता है ठंडा और जहां पर गर्म जो होता है गर्म। और जो भी बंदा इस चीज को पकड़ लिया, समझ लीजिए, प्रॉपर वो एकदम मास्टर बन जाएगा। और अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर वो सबसे अलग होने वाला, क्योंकि लगभग जितना भी वीडियो आप देखेंगे लगभग उसमें गलत बतलाया गया। कुछ सवाल आपको शुरू में ही, जैसे आप शुरू करेंगे कुछ सवाल आपको शुरू में ही छोड़ देंगे, जिससे आपको यह अनुभव हो जाएगा हाँ आप इससे पहले क्या पढ़े थे और अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पूरा फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये चीज आपको दिमाग में नोट कर लेना है थोड़ा सा कि ये स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसको विंडो एसी तरीका से भी समझ सकते हैं, चाहे तो फ्रिज के तरीका से भी समझ सकते हैं, लगभग लगभग सबका सेम होने वाला, ठीक है। बस थोड़ा सा गैस अलग अलग रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन रहेगा, प्रेशर थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। ये चीज ये स्प्लिट एसी का, बाकी विंडो एसी रहे उसमें भी मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो मैकेनिकल सिस्टम यूज होता है। और नॉर्मल आप लोग बोलेगा फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल और मैकेनिकल सिस्टम एक ही है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल अलग है और मैकेनिकल सिस्टम अलग है। क्लियर है? रेफ्रिजरेशन साइकिल अलग है और मैकेनिकल सिस्टम अलग चीज को बोलते हैं। तो आज जो हम लोग प्रॉपर पकड़ रहे हैं ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। मैकेनिकल सिस्टम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए इसी में आपको सबसे पहला सवाल छोड़ते हैं, मैकेनिकल सिस्टम बोलते किसको, मैकेनिकल सिस्टम बोलते किसको। बहुत आदमी पूरा सिस्टम किसी क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सिस्टम बदला है। तो प्रॉपर ये मैकेनिकल सिस्टम आपका नहीं है, या फिर बहुत कुछ सवाल जब किया जाता है मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, डायरेक्टली बोलता जान जाए कैसे संचार होता है, उस सबके सब मैकेनिकल सिस्टम, बाकी सब क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो ऐसा नहीं। तो मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम जो बात है चलेगा, तो मैकेनिकल सिस्टम हम लोग हर उस सिस्टम को बोलेंगे जिस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं जा रहा, जहां जहां करंट नहीं दौड़ रहा वो सारा चीज मैकेनिकल सिस्टम। इसे माने एक आउटडोर है, तो आउटडोर का फैन ब्लेड क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम। आउटडोर का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम। इंडोर है, इंडोर का पूरा कैबिनेट क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम। इंडोर का बलोवर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम। कंडेंसर कॉइल जहां पर गैस दौड़ता है वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल सिस्टम। मतलब जहां जहां करंट नहीं जा रहा वो सबके सब मैकेनिकल सिस्टम है, और जहां जहां करंट जा रहा वो सबके सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। बाकी तो फिर ये दोनों जब काम कर रही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो पूरा ऐसे को काम करने के लिए एक तीसरा सामान क्या चाहिए, एयर फ्लो सिस्टम। हवा कैसे आएगा और हवा कैसे जाएगा, और एयर फ्लो में किसी कारण से अगर दिक्कत आ रहा तो उसके क्या परेशानियां आएगा। जो ये तीन चीज पकड़ लिए समय के पूरा एसी फ्रिज वाशिंग, पूरा एसी और फ्रिज रिफ्रिजर वाटर कूलर, इस चीज को रिपेयर करना आप सीख जाइएगा। तो मेनली इसमें यही चीज है कि नहीं, तीन चीज। बाकी अगर और भी नॉलेज चाहिए तो चौथा चीज क्या होगा, एसी से संबंधित अदर नॉलेज। अब टन, टन क्या होता है, रिपेयरिंग में इससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। ये सारा कुछ अलग अलग इससे संबंधित और भी चीज आएगा, ढेर सारा चीज इसी टाइप का, एसी से संबंधित नॉलेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उतना अगर नॉलेज रहेगा तब कोई इसमें चार चीज, यानी कि मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। चौथा क्या रहेगा, एसी से संबंधित अदर नॉलेज। ये चार चीज हमेशा आपके पास रहेगा, पूरा एक सीनियर टेक्नीशियन आप बन जाइएगा। उसके बाद आप कहीं पर फील्ड में काम करिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो प्रॉपर आज जो हम लोग चलेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग नॉर्मली शॉर्ट में ऐसे नॉर्मली कोई बोलता है तो मैकेनिकल सिस्टम है कि नहीं, लेकिन रियल में मैकेनिकल सिस्टम ये होता नहीं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग समझेंगे इसे पूरा एसी के, यानी कि स्प्लिट एसी पूरा हम भाग लिए हैं। आप चाहे तो इसको विंडो एसी तरीका समझ सकते हैं, चाहे तो स्प्लिट एसी समझ सकते हैं, चाहे तो फ्रिज समझ सकते हैं, समय यही पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। यही पार्ट्स में क्या चीज, हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मली इसमें देखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर। ऐसे क्या बोलते हैं, आउटडोर। इंडोर यूनिट जो रूम के अंदर लगा हुआ होता है, ये आउटडोर यूनिट देखेगा तो रूम के बाहर लगा हुआ रहेगा है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटडोर, दरवाजे के बाहर। और ये इंडोर मतलब गेट के अंदर, रूम के अंदर वाला भाग हो जाएगा। और ये हो जाएगा पावर सप्लाई। जैसे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, आपका इंडोर चलता है, फिर इंडोर के मदद से आउटडोर चलता है। तो जैसे जिस समय इंडोर आउटडोर चल गया समझिए ठंडा करना शुरू कर दिया, रूम के अंदर ठंडा हवा देना शुरू कर देता है और बाहर से गर्म हवा निकलना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता, बस यही चीज को मैं आपको समझना। ये पूरा सिस्टम समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी बाईपास करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम को लेकर चलेंगे, मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल को लेकर चलेंगे। क्लियर है, रेफ्रिजरेशन साइकिल को। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, अब इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से पार्ट आते हैं,
इसमें सबसे पहला जो पार्ट आने वाला है एक कंप्रेसर आएगा, दूसरा जो कंडेंसर कॉइल आएगा जो आउटडोर में लगा हो रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये पूरा पूरा आउटडोर यूनिट हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये कंप्रेसर हो जाएगा और ये कंडेंसर कॉइल हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा और ये कैपिलरी ट्यूब और ये कूलिंग कॉइल, पूरा पूरा कूलिंग कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका स्प्लिट एसी में एक्स्ट्रा और इसको लगा दिया गया है, बाकी ये भी कूलिंग कॉइल का ही भाग है। नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्विस बल्ब। ये पतला वाला है तो डिस्चार्ज सर्विस बल्ब, मोटा वाला है तो सेक्शन सर्विस बल्ब, ये चीज को बोलते हैं। अब यहां पर आप लोग समझिएगा पूरा ये काम करता कैसे है कि नहीं। तो ये चीज है कि यहां पर जैसे हम लोग ऑन करते हैं, जैसे एसी क्या करेंगे ऑन करेंगे, जैसे एसी को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर चालू होगा, इंडोर चल रहा था सिर्फ हवा लेगा और हवा देगा, जब तक कंप्रेसर आउटडोर चालू नहीं होगा उसमें आउटडोर में भी जब तक कंप्रेसर चालू नहीं होगा तब तक ठंडा गर्म होने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, ये हमेशा दिमाग में रखना, जब तक कंप्रेसर चालू नहीं होगा। अब मान लीजिए आप क्या किया, कंप्रेसर ऑन हो गया, कंप्रेसर ऑन हो गया, जैसे कंप्रेसर ऑन होगा इसमें कंप्रेसर में दिख रहा होगा इसमें दो पाइप दिख रहा, एक पतला वाला पाइप इधर से दिख रहा है, तो इसको और अच्छा से बना देते हैं। चलिए एक पतला वाला पाइप इससे देखिएगा निकल रहा और इसी से जो जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ये है पूरा कंप्रेसर, पूरा सेट को कंप्रेसर ही बोलते हैं, पूरा सेट को कंप्रेसर ही बोलते हैं। लेकिन उसमें देखिएगा ये जो छोटा सा डब्बा जो लगा हुआ है इसको एक्यूमुलेटर बोला जाता है और ये पूरा कंप्रेसर हो गया एक साथ दे दो। अब इसमें देखिएगा इसमें एक पतला पाइप निकल रहा एक मोटा पाइप निकल रहा, जो पतला पाइप निकल रहा ये मैं क्या हो जाएगा डिस्चार्ज पाइप, कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप, और ये जो कंप्रेसर में जो मोटा वाला पाइप निकल रहा है या फिर आ रहा है इसको क्या बोलेगा कंप्रेसर का सेक्शन पाइप, कंप्रेसर का सेक्शन पाइप, यानी कंप्रेसर का जो पतला पाइप रहेगा उसको बोलेंगे डिस्चार्ज पाइप और कंप्रेसर का मोटा वाला पाइप है इसको बोलेंगे हम लोग सेक्शन पाइप। क्लियर है, डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप। अब यहां पर जैसे कंप्रेसर ऑन होगा तो जो कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस करना, कंप्रेस करने मतलब क्या होता है हाई प्रेशर क्रिएट करना, नॉर्मल समझिएगा जैसे आपके घर में क्या है एक टुल्लू मोटर है, अब टुल्लू मोटर का काम क्या होता है लो प्रेशर गैस को हाई मतलब ये लो प्रेशर लिक्विड को हाई प्रेशर में बदलना। अब नॉर्मल पानी को खींचता है और पहला तला से दूसरा तला तीसरा तला चौथा तला पानी के प्रेशर से पानी को ऊपर भेज देता है कि नहीं, पानी को खींच रहा और आगे हाई प्रेशर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को पहुंचा दे रहा, आखिर प्रेशर है तभी तो पानी ऊपर की ओर पहुंचा दे रहा है कि नहीं। यही चीज यहाँ पर कंप्रेसर काम कर रहा, लेकिन यहाँ पर लिक्विड नहीं रहेगा यहाँ पर गैस रहेगा, ठीक है, हमेशा वेपर इसको बोलते हैं गैस। तो अब इसमें क्या होगा जैसे कंप्रेसर चालू होगा तो डिस्चार्ज से गैस बाहर निकलेगा, डिस्चार्ज से जैसे गैस बाहर निकलेगा तो वो कहां चला जाएगा कंडेंसर कॉइल में, तो डिस्चार्ज से गैस बाहर निकलने के बाद जिस पाइप में भी जाएगा उस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल या हीटिंग कॉइल, कंडेंसर कॉइल या हीटिंग कॉइल। क्लियर है, तो जैसे कंप्रेसर ऑन हुआ तो डिस्चार्ज पाइप से गैस बाहर निकला, इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको डालेंगे, पहले इसका थ्योरी प्रो बता दे रहे हैं, जस्ट इसके बाद जब ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा उसके बाद जस्ट इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दिखलाएंगे चालू करके, पूरा चालू एसी को भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको यानी कि डालेंगे उसमें देखिएगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है जैसे डिस्चार्ज से निकला था, डिस्चार्ज से निकलने के बाद जिस पाइप में भी जाएगा उसको क्या बोलेंगे कंडेंसर पाइप या हीटिंग पाइप। अब बोलेगा हीटिंग पाइप काहे बोलेंगे, यहां से हाई प्रेशर गैस जहां पर भी जाएगा वहां पर क्या होगा हाई प्रेशर वहां क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करने मतलब वहां पर हाई टेम्परेचर भी क्रिएट होगा। अब यहीं पर एक सवाल बनता जो डिस्चार्ज गैस बाहर निकल रहा, ठीक है डिस्चार्ज से जो गैस बाहर निकल रहा वो क्या चाहिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर में पहले गैस बाहर निकल रहा कुछ देर चलने के बाद दो चार पांच मिनट चलने के बाद क्या होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता, हाई टेम्परेचर कितना डिस्चार्ज का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो डिस्चार्ज पाइप है इसका टेम्परेचर कितना होता जब गैस फुल भरा हुआ, तो नॉर्मली जो होता है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, निर्भर करता है गैस के ऊपर, अगर 22 है तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, अगर वहीं पे 410 गैस है तो इसका जो 80 से 90 डिग्री पर है वो 100 डिग्री सेल्सियस भी गर्म हो जाता है। क्लियर है, ये हमेशा याद रखना, जितना अधिक प्रेशर बढ़ने वाला उतना ही वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ने वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ जो गैस है गैस डिस्चार्ज से बाहर निकला और डिस्चार्ज से बाहर निकला कहां चला गया कंडेंसर कॉइल के पास, तो बताया था पहला क्वेश्चन आपके पास जो आएगा यहाँ पर जो हाई प्रेशर निकल रहा, हाई प्रेशर तो कंप्रेसर कर रहा लेकिन हाई टेम्परेचर कहां से आया, ये चीज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर साथ निकलता नहीं, ऐसा नहीं होता, जब हाई प्रेशर साथ निकल रहा ये तो काम कर रहा लेकिन हाई प्रेशर से निकल रहा है उसके बाद यहाँ जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, टेम्परेचर काफी अधिक है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल नहीं है। अब 80 से 90 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये हुआ कैसे,
यही चीज आपको पकड़ना, 80 से जो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इतना टेम्परेचर आया कैसे? हाई प्रेशर की वजह से बोलिएगा। पहला रीजन क्या दीजिएगा, एक रीजन हाई प्रेशर की वजह से। पहला रीजन क्या है, मान लीजिए हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा जितना आप बोल रहे हैं 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। चल एक कारण हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से पूरा उतना गर्म नहीं होगा। फिर और क्या रीजन है, आप कमेंट में बताते जाइएगा, बाकी यहाँ पर हम पूरा बताते जाइएगा आपको। दूसरा रीजन समझिएगा, दूसरा रीजन क्या होगा, जब कंप्रेसर चलता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी आता है, तभी तो कंप्रेसर चलेगा। तो इलेक्ट्रिकल जब पावर सप्लाई आएगा तो एक इलेक्ट्रिकल हीट भी जनरेट होता है उसके क्वाइल से, है कि ना, उसके क्वाइल से इलेक्ट्रिकल हीट भी जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रिकल हीट क्या होता है, नॉर्मल समझिएगा, एक पंखा है, पंखा को चालू कंडीशन में है तो बोलिए गर्म होता है, घर्षण भी होता होगा। चलिए एक पंखा है, उसको हम बंद कर, मतलब कि हम लोग वहां से रोक लेते हैं, उसमें लाइन दे देते हैं, उसको जाम करके रोके हुए, उसको चलने नहीं दे रहे, अब तक किसी तरह घर्षण नहीं हो रहा, लेकिन देखिएगा तो रोकने के बाद वो पंखा और ज्यादा हीट होता, वो जो हीट हो रहा वो कैसे हो रहा, अब तो घर्षण भी नहीं हो रहा, तो अब जो वो हीट हो रहा, वो हीट कौन सा हीट है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट। जैसे हीटर है, हीटर में न्यूट्रल और फेज दिए, हीटर गर्म होना शुरू हो गया लाइन लेते ही, वो हीट हो गया, वो जो हीट हो रहा वो क्या है, इलेक्ट्रिकल हीट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक पहला क्या रहेगा, जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से हीट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, जो कंप्रेसर में लाइन दे रहा है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहा है, इलेक्ट्रिकल हीट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल हीट। तीसरा क्या रहेगा, जैसे पावर सप्लाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ मैकेनिकल सिस्टम काम करता है, जैसे पंखा मोटर क्या बोलते हैं, बैरिंग काम करता है, बैरिंग पर रोटर घूमता है, इसके अंदर रोटर हो गया, रोलर हो गया, पिस्टन हो गया, ये सब जो काम करता है पूरा सिस्टम मिल करके, ये सब क्या करता है, ये भी एक हीट जनरेट करता है आपस में घर्षण होने के बाद। तो एक हो जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर, दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल हीट, तीसरा आ जाएगा मैकेनिकल हीट। मैकेनिकल हीट मतलब क्या, लाइन नहीं जाएगा, मैकेनिकल में घर्षण हो रहा, लेकिन ये तीनों हीट मिल करके भी 80 से 90 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं पूरा पाएगा। मेन रीजन देखिए, आप कभी भी कोई चीज पढ़िए कि जो भी चीज बता रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या, अगर रीजन आप नहीं पकड़ पा रहे हैं समझिए सही है कि गलत है, आपको पकड़ नहीं पाइएगा, ये चीज हमेशा पकड़िए, जब तक रीजन नहीं पकड़ पाइएगा तो सही है या गलत आप पकड़ नहीं पाइएगा, है कि नहीं। यही चीज यहाँ पे जो गर्म हो रहा था, ये तीन चीज बता दिए, अब चौथा चीज जो होने वाला है, मैं आपका रूम का हीट, ये तीनों मिल करके इतना हीट जनरेट नहीं कर पाएगा 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। फिर इतना हीट आता कैसे है, मैं आता रूम का हीट, जब चलता है ये और यहाँ से हीट बाहर निकलता है, यहाँ तो गर्म होता ही है, और लेकिन रूम में जो ठंडा हो रहा, ठंडा के हो रहा है, तो रूम का अंदर भी तो भाई पूरा हीट होगा, तो रूम के अंदर जब हीट है तो वो हीट गया कहां, रूम ठंडा कब होगा, जब रूम का हीट बाहर निकल जाएगा, तो रूम का हीट ही यहाँ से जो आउटर से हीट बाहर निकलता है, वो रूम का हीट ही बाहर निकलता। अब रूम का हीट बाहर कैसे निकलता, रूम का हीट बाहर कैसे निकलता, यही पूरा इसमें समझाएगा। अगर नॉर्मल में समझेगा तो क्या है, कंप्रेसर ऑन करेंगे, डिसाइलेंसर कैसे बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल में जाएगा, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर में आएगा, फिल्टर से कैपेसिटर ट्यूब, और कैपेसिटर ट्यूब से कहां चला जाएगा, डिस्चार्ज सर्विस हॉल में, आउटडोर के डिस्चार्ज सर्विस हॉल, आउटडोर के डिस्चार्ज सर्विस कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल होते हुए सेक्शन लाइन में आएगा, सेक्शन लाइन से सर्विस हॉल होते हुए कंप्रेसर सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर में चला जाएगा। ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम काम करता है, ये एक लाइन में हो गया, लेकिन प्रॉपर इसके पीछे जब रीजन समझ जाइए कि ठंडा गर्म करता कैसे, इतना सिंपल होता तो बहुत पहले कैसे आविष्कार हो गया था, 1902 से भी पहले, बहुत पहले, इतना सिंपल है नहीं, जितना लोग सोच करके इतना समझा देते हैं लोग आसानी से, उतना है नहीं। तो प्रॉपर इसमें समझना कि ये जो हीट यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये क्ले हीट आ कहां से रहा, सिर्फ इतना वजह से हीट नहीं आ रहा, अगर ये हीट होता फिर रूम के अंदर हीट बाहर नहीं निकलता, अगर रूम के अंदर जो हीट है मान लीजिए, अगर वो रूम के अंदर हीट को बाहर नहीं निकाला जाए तो फिर रूम ठंडा हो नहीं पाएगा। अगर वैसा होता तो फ्रिज को रूम में रखिए और फ्रिज को गेट खोल के चालू कर दीजिए तो रूम ठंडा हो जाता, लेकिन ये संभव कभी नहीं, 1% भी ठंडा होने वाला नहीं, 1 डिग्री भी ठंडा होने वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, रूम के हीट को बाहर निकाला जाता। अब यहाँ पे देखिए तो वही पूरा सिस्टम, पूरा जब रेफ्रिजरेंट साइकिल समझ लीजिएगा तो पूरा सिस्टम अब तब जाके यहाँ पर मिल जाएगा, जितने हीट कहाँ से आ रहा है, कितना पे कितना हीट होता है, कहाँ पे कितना प्रेशर होता है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आपका, यहाँ पर हीट आने के सारे कारण बता दिए, एक चौथा क्या रहता है, रूम का हीट, जो रूम का पूरा गर्मी लेकर के यहाँ पाता है सेक्शन की मदद से डायरेक्टली कंप्रेसर में पहुंचता है, और कंप्रेसर क्या करता है, कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल में पंखा के मदद से हीट को बाहर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यही हीट जो रूम के अंदर का हीट बाहर निकलता, और वही हीट जब यहाँ पहुंचता है तो इतना गर्म आपको दिखलाता 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। अब बोलिए लेकिन हीट तो बहुत कम लेता, कितना लेता वो भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जो डिस्चार्ज से गैस बाहर निकला कहां चला गया, कंडेंसर कॉइल में,
यहां तो कंप्रेसर काम करता है, सक्शन लाइन से गैस खींच रहा है और डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकल रहा, सक्शन लाइन से गैस खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकल रहा। तो डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलने के बाद कंडेंसर कॉइल में गया। अब जैसे ही कंडेंसर कॉइल में गया तो कंडेंसर कॉइल क्या काम है, हीट को रिजेक्ट करना। नॉर्मल कोई आदमी क्या बोलता, हीट को रिजेक्ट करना। चलिए हीट को रिजेक्ट नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। पंखा लगा हुआ जो भी गर्मी पहुंचेगा उसको, पंखा जब चलेगा तब बाहरी हवा के मदद से हीट को रिजेक्ट करेगा। कितना हीट रिजेक्ट करेगा, ये चीज प्रॉपर यही होता, कितना हीट रिजेक्ट करेगा ये चीज आपको मैं समझना होता। दूसरा चीज कि पहला, चलिए पहला काम मान मिलता है कि यहां पर हीट को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। और जो सबसे बड़ा रीजन है आपका यही समझना है, जो लगभग लगभग अभी तक अंदाजा 99% जो भी आप इसमें देख रहे होंगे उसको ये मालूम होगा। हाँ, जो ऑफलाइन क्लास करते हैं मेरे कोचिंग में, प्रैक्टिकली क्लास करते हैं, उसको पूरा मालूम होगा एग्जैक्टली वेपर से लिक्विड में कैसे बदलता। आगे हम लोग बतलाएंगे उसको, गलत भी साबित करेंगे, आप लोग जो पहले जानते हैं। यहां पर समझिएगा, जो यहां से निकले कंडेंसर कॉइल में गया, कंडेंसर कॉइल का काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना। और दूसरा काम क्या है, वेपर से लिक्विड बदलना। जो कंप्रेसर है ये वेपर को इनपुट लेता है और वेपर को आउटपुट निकलता है, गैस लेगा गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वेपर कंप्रेसर, इसी के लिए बोला जाता है इसको वेपर कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर ऐसे तो नॉर्मली स्प्लिट या विंडो है, उसमें रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। इस कंप्रेसर का नाम क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर। लेकिन इसको नॉर्मल अगर रोटरी याद नहीं रहेगा तो वेपर लेता है इनपुट और वेपर ही आउटपुट निकलता है, जिसको हम लोग वाष्प बोलते हैं हिंदी। तो वेपर इनपुट लेगा और वेपर आउटपुट निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वेपर कंप्रेसर। इतना आसानी से बोल सकते हैं, वो भी सही रहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर जैसे कंडेंसर कॉइल में पहुंचा, कंडेंसर कॉइल काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना। अब सबसे पहले जब हीट को रिजेक्ट करना, हीट को कैसे रिजेक्ट करेगा, पंखा चलेगा पीछे से हवा को खींचेगा बाहरी हवा, और आगे से क्या करेगा, इस कंडेंसर कॉइल में टकराते हुए बाहर निकलेगा, तो उसका हीट को लेकर बाहर निकलेगा। कारण है कंडेंसर कॉइल के टेम्परेचर की अपेक्षा जो है बाहरी हवा ठंडा है, और बाहरी हवा जब टकराएगा तो हीट को लेकर बाहर ही जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो यहाँ जो ये जो फैन मोटर लगा हुआ हीट को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन दूसरा काम क्या है, यहां तो है वेपर फॉर्म में, क्या चीज, वेपर फॉर्म में, और यहां तक पहुंचते पहुंचते पर क्या होता है, लिक्विड। यहां पे है वेपर फॉर्म में और यहां से जो शुरू हो रहा है वेपर से, और यहां जो आउटपुट फिल्टर तक पहुंचता है, यहां पर पूरा हो जाता है 100% लिक्विड। अब वेपर से लिक्विड में कैसे बदलता है, तो बहुत आदमी किसमें जवाब, जब हम लोग क्लास कराते हैं वहां पे ऑफलाइन क्लास, जब डायरेक्टली क्लास में करवाते हैं सामना सामने, तो वहां पर अधिकतर जो शुरू में जवाब होता है, क्या चीज सर, यहाँ पर वेपर, जो वेपर से लिक्विड माने जो मेन रीजन होता है, पाइप घूमते घूमते ठंडा हो जाता है, और दूसरा आगे पंखा जो है चलता है तो उसको हीट को रिजेक्ट कर देता है, और घूमते घूमते प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, इनका क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कैसे हुआ बता देते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर, एग्जैक्टली ये पूरा 100% गलत हो जाएगा। कैसे, ये समझिएगा, नॉर्मली यहाँ का टेम्परेचर कितना, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, फिल्टर के पास का टेम्परेचर कम से कम आपका जो रहने वाला है 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपको फिल्टर के पास का टेम्परेचर बता रहा है। इससे प्लस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, निर्भर करता है बाहरी टेम्परेचर के आधार पर और गैस के प्रेशर के आधार पर, ठीक है। एवरेज हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस इसको लेकर चल सकते हैं, ये फिल्टर के आसपास का टेम्परेचर होता है यहाँ का, तो जो 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। अब सोचेगा कि हाँ वहां सही बात है बिल्कुल, यहाँ से टेम्परेचर डाउन हुआ, घूमते घूमते क्या टेम्परेचर डाउन हुआ, जिस कारण से वेपर से लिक्विड में आ गया। चलिए ये बात आपको मान लेते हैं कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो इस कारण से लिक्विड में आ गया, अभी के लिए मान लेते हैं, आगे आप समझ लीजिएगा कैसे ये गलत होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ठीक है टेम्परेचर डाउन होने के बाद ये लिक्विड में आ गया, अगर हम इसका 40 यही गैस का आगे बढ़ा करके 40 डिग्री से हम इसको टेम्परेचर घटा देते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये वेपर में चला गया या लिक्विड में चला गया, लिक्विड में ही रहेगा। मतलब यहाँ का टेम्परेचर घटाने के बाद जो ये लिक्विड में आ गया है तो और टेम्परेचर घटा देंगे फिर से तो पेपर में नहीं आएगा, संभव भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वही गैस अब किसी भी फॉर्म से ले जाइए, चाहे कम ले जाइए ज्यादा, उससे मतलब फिर नहीं रहता वहां पर, गैस तो वही है लिक्विड फॉर्म। अगर यही गैस को हम यहाँ पर चेक करें सेक्शन लाइन के पास, क्लियर है, सेक्शन लाइन के पास, जब सेक्शन लाइन के पास चेक करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से होता है, ठीक है। अब जो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर तो बिल्कुल वेपर फॉर्म होता है, बतलाए थे वेपर फॉर्म में इनपुट होता कंप्रेसर में। तो यहां का टेम्परेचर 40 डिग्री है, इसकी अपेक्षा यहां पर 3 गुना टेम्परेचर कम है,
तो फिर यहां पर भी लिक्विड में ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर 100% वेपर में होता है। अब सोचिएगा ये कैसे हो गया, है कि नहीं, समझ में आ गया? टेम्परेचर कम होने की वजह से कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर यहां पर टेम्परेचर उसके अपेक्षा यहां पर कम है, यहां पर भी वो लिक्विड फॉर्म बनाना चाहिए था, लेकिन संभव नहीं है यहां पर लिक्विड फॉर्म बनाना। यहां पर छोड़िए टेम्परेचर कम करने की जो बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम डायरेक्टली एक लाइन समझिएगा, तो अगर पूरा कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस भी कर दे, फिर भी ये वेपर फॉर्म में ही रहेगा। क्वेश्चन समझिएगा, अगर पूरा कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, पूरा इस पे आइस भी रख देंगे ना, फिर भी ये वेपर फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन ये कहिएगा फिर 40 डिग्री सेल्सियस कैसे लिक्विड फॉर्म आ जाता, ये भी सही है, यहाँ पर लिक्विड माता है, लेकिन यहाँ पर जब माइनस कर दें टेम्परेचर, फिर भी कैसे वेपर फॉर्म रह सकता है कि नहीं? तो नॉर्मल समझिएगा, जो इसके अंदर गैस होता है R22 गैस R32 410 290, ये सब गैस का बॉइलिंग पॉइंट काफी माइनस में होता है। बॉइलिंग पॉइंट काफी मतलब नॉर्मली का सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी माइनस में होता है, कितना? -41 डिग्री सेल्सियस। अब सोच के देखिए, जो R22 गैस है इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट? -41 डिग्री सेल्सियस। इस गैस के लिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? -41। यानी अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु उबलना शुरू हो जाए, अपना स्टेज छोड़ना शुरू कर दे, जैसे R22 गैस है, तो -41 क्या हुआ, लिक्विड से वेपर में बदलना आसानी से शुरू हो जाता, आसानी से लिक्विड से वेपर बदलना। जब ये -41 इसके लिए गर्म है, तो ये -10 इसके लिए और ज्यादा गर्म है, तो -41 ये तो +41 है, टोटल इसमें और इसमें 80 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसके अपेक्षा यहाँ पर जो गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 41 गर्मी पता चल गया, और यहाँ पर 40 में, तो टोटल 81 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। अब सोच के देखिए, 81 डिग्री सेल्सियस जो अधिक गर्म है, वो और जल्दी वेपर बदलेगा या लिक्विड में आएगा? कभी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिक्विड में कैसे आता है, तो आगे समझिएगा, समझाएंगे प्रॉपर, समझ में आ जाएगा। अगर इसको और कम टेम्परेचर करते हैं -30 डिग्री सेल्सियस, तो और ये गर्म होगा, इसको ठंडा करना क्या करना पड़ेगा, -41 के बदले या -60 ले जाना पड़ेगा, -70 ले जाना पड़ेगा, -80 ले जाना पड़ेगा, तब ही ठंडा हो पाएगा। लेकिन अगर इसको हम ले चला 0 डिग्री सेल्सियस, -40 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो इस गैस के लिए और गर्म है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस और गर्म है, फिर ये कैसे आएगा, लिक्विड फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म आ रहा, ये कैसे, ये समझिए कैसे आ रहा। अब वही क्वेश्चन पहुंच गए, ठीक है? तो मैं जो यहाँ पर ये जो गैस घूमते हुए आ रहा, यहाँ पर तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में गैस होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है चलेगा, तो टेम्परेचर लो किस कारण से है, प्रेशर वही है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, शुरू में यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, प्रेशर को डाउन नहीं किया गया, लेकिन टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन कैसे हुआ है, हीट को सिर्फ रिजेक्ट किया, टेम्परेचर डाउन तो गैस के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर हीट को रिजेक्ट करने के लिए जितना हीट को रिजेक्ट करना चाहिए था, उतना हीट को सिर्फ यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, क्लियर है? सिर्फ उतना हीट को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, पंखा की मदद से, बारी हवा की मदद से हीट को रिजेक्ट किया गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे है कि हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, कभी भी यहाँ पर लो प्रेशर मत लिखेगा, अगर यहाँ पर लो प्रेशर लिख दे कभी भी ये वेपर लिक्विड में नहीं आएगा। अब क्या है, यहाँ पर जो मान लीजिए वेपर है, अगर कोई पाइप जा रहा है, उसका रास्ते पतला कर देते हैं, कैसे नॉर्मल समझिएगा, ये मान लीजिए एक रूम है, जितना कंडेंसर कॉइल में ये जो कंप्रेसर है, जितना गैस वो कंडेंसर कॉइल में डाल रहा है, उतना गैस क्या यहाँ से बाहर निकल रहा है कैपिलरी ट्यूब में से, कैपिलरी ये फिल्टर है, इसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल आता है और यहाँ पर जाली लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर क्या रहता है, जाली लगा हुआ रहता है यहाँ पे, इस बीच में सिलिका जेल और यहाँ पे जाली रहता है, इससे होते हुए गुजरते के जाता है गैस लेकर। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा फिल्टर का भी काम समझ लीजिएगा, पहला काम तो हीट रिजेक्ट करने वाला समझ में आ गया, वेपर से लिक्विड वाला भी आगे समझा रहे हैं। तो फिल्टर काम क्या होता है, जो भी गैस जा रहा है उसके साथ कुछ भी अशुद्धियां है, गंदगी है, धूल कण है, ये जाली और फिल्टर, ये सिलिका जेल मिलकर क्या करता है, उसको सोख लेता, रोक लेता, उसके बाद शुद्ध गैस को कैपिलरी ट्यूब में गुजारा जाता है। कारण क्या है, कैपिलरी ट्यूब का जो छिद्र होता है काफी पतला होता है, उस पतला छिद्र के जरिए गैस क्या होता है, आगे बढ़ता, अगर कुछ भी गंदगी चला जाएगा तो ये क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और पूरा ब्लॉक होने मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल जो चलते रहता है लगातार, ये मेरा बंद हो जाएगा, फिर काम नहीं कर पाएगा।
अब यहां पर क्या है लिक्विड माइन कहां समझिएगा, जितना गैस कंडेंसर कॉइल में इनपुट जा रहा है कंप्रेसर की मदद से, कंप्रेसर की मदद से जितना गैस कंडेंसर कॉइल में इनपुट आ रहा अंदर आ रहा क्या उतना गैस बाहर निकल रहा, बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो जितना गैस अंदर जा रहा उतना गैस तो बाहर निकल नहीं रहा, जब उतना गैस बाहर नहीं निकलेगा सीधा सी मतलब अंदर प्रेशर क्रिएट होगा ज्यादा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आपस में जमा होना शुरू हो जाएगा, अब सबके सब धीरे धीरे जब जमा होगा तो आपस में सट जाएगा, है कि नहीं। इसमें गैस इतना ही डाला गया है, नॉर्मल हम क्या एक पाइप से मान लीजिए कि एक पाइप से पानी जा रहा, जहां पर पाइप को दबाते सबसे पहले पाइप वहीं पर फूलता, सबसे पहले प्रेशर वहीं पर क्रिएट होता, तो कैपेसिटिव जो यहां पर लगा हुआ है तो सबसे अधिक प्रेशर इधर से ही क्रिएट होगा, पहले जैसे यहां से क्रिएट होगा तो इधर से ही लिक्विड में बनना शुरू होगा, तो इधर इतना गैस इतना ही डाला गया है कि लास्ट तक सिर्फ लिक्विड में बनेगा, कुछ पाइप पूरा पाइप नहीं, यहां से ऊपर तक दो तीन पाइप तक लिक्विड में बनेगा, उसके बाद वेपर में ही रहेगा, कारण उतना गैस इसमें डाला ही नहीं जाता, उसी कैपेसिटी के अनुसार इसमें गैस डाला जाता। तो यहां से क्या होता है कि जो गैस आता है हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, सारा गैस आपस में सट जाता है, जैसे आपस में सटेगा आखिर कोई भी चीज वेपर में क्यों है, अलग अलग कण के रूप में तभी जाकर वेपर में, जब वो सबके सब आपस में सट जाएगा तो फिर से वो लिक्विड में आ गया, यहाँ पर वही कारण होता है पूरा पूरा। सारा कण हाई प्रेशर की वजह से आपस में सट जाता है, हाई प्रेशर के कारण से आपस में सट जाएगा, जिस कारण से ये वेपर से लिक्विड में आ जाता है। मेन रीजन हमेशा ये है, तो डायरेक्टली आप लोग क्या बोलना, हमेशा जो यहाँ पर लिक्विड मारने का मेन रीजन क्या होता है, हाई प्रेशर, अधिक प्रेशर होने के कारण ये लिक्विड में आ जाता है। अगर यहाँ पर प्रेशर कम कर दे या कैपिलरी ट्यूब को इस पाइप से बराबर कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पर जोड़ दे, यहाँ पे क्या करें कैपिलरी ट्यूब को हटा दे और जितना पाइप सजिए है उतने पाइप सजिए है इसको भी यहाँ पर जोड़ दे, फिर कभी भी यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर जब बनेगा तो ठंडा गर्म होने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर टेम्परेचर कम करने के बाद अगर बोलिएगा फिर हम क्या करते हैं कैपिलरी को हटाते हैं और सेम पाइप को जोड़ देते हैं, टेम्परेचर फिर भी कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आसानी से प्रेशर आएगा आसानी से निकल जाएगा, फिर वहां क्या होगा वेपर से लिक्विड लिक्विड से वेपर मतलब की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ठंडा गर्म करने की प्रक्रिया भी पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कैपिलरी ट्यूब, तो कंप्रेसर क्या काम होता है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना क्रिएट करना, और वहां जब डिसलिनेशन बारे में कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर कॉइल क्या काम होता है हीट को रिजेक्ट करना और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना, कैसे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है और हीट को कैसे रिजेक्ट करता है, तो हीट पंखा के मदद से रिजेक्ट होता है बाहरी हवा के मदद से लेकर के, और वेपर से लिक्विड में कैसे होता है तो हाई प्रेशर की वजह से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्लियर है। अब आता है कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर क्या काम है, तो धूल कण को छानने काम करेगा, गैस सब जो भी अशुद्धि हो जाएगा उसको छानने काम करेगा, और उसके बाद आता है कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब क्या काम होता है, तो जो कैपिलरी ट्यूब काम होता है जो हाई प्रेशर गैस है आगे प्रेशर को डाउन करना पीछे प्रेशर को बढ़ाना, तो हम लोग को जब एक लाइन में बोलना पड़े तो प्रेशर को कंट्रोल करना, कारण पतला पाइप जब हो रहा था पीछे प्रेशर बढ़ जा रहा और आगे प्रेशर डाउन हो जाएगा, जितना गैस इनपुट आ रहा है इसमें उतना गैस इधर निकलने नहीं दे रहा, उतना निकलेगा नहीं सीधा सी बात आगे प्रेशर कम हो जाएगा और पीछे बढ़ जाएगा, ये तो दोनों काम कर रहा है कैपिलरी ट्यूब, पीछे प्रेशर बढ़ाने काम कर रहा आगे प्रेशर कम करने काम कर रहा, इसका मतलब कैपिलरी ट्यूब का हम क्या बोलेंगे कि कैपिलरी ट्यूब का जो काम है प्रेशर को कंट्रोल करना, क्लियर समझ में आ गया, पूरा डिटेल्स में बता रहा है। अब कैपिलरी ट्यूब से आगे निकलेगा ये जो पूरा भाग यहां से लेकर के यहां से और यहां तक पूरा दिख रहे हैं ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ये सर्विस वाल्व इसको बोलते हैं, लेकिन कैपिलरी ट्यूब जहां से खत्म होता है जस्ट वहां से कूलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, कहिएगा कैसे, तो जैसे ये हाई प्रेशर है हाई प्रेशर से क्या होगा डायरेक्टली अगर प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप कर दिया जाए प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वहां पर टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, कैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं गर्मी के मौसम में या फिर किसी मौसम में हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं बालून कटवाते हैं तो हम क्या करते हैं वो डब्बा से पानी मारता है प्रेशर से, जो पानी फुहारा मारता है वो भले पानी पूरा गर्म हो लेकिन जब पानी चेहरा पर पूरा ठंडा महसूस होता है कि नहीं, तो डब्बा में पानी गर्म है लेकिन चेहरा पर वही पानी आ रहा है तो ठंडा महसूस हो रहा है, कैसे कारण से प्रेशर बिल्कुल तोड़ के आपके फेस पर मारा जाता है, एक साथ पानी नहीं आ रहा है वो पूरा अलग अलग कण के रूप में आ रहा है, बिल्कुल प्रेशर टूटा हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको, तो बिल्कुल प्रेशर डाउन हो गया तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसके साथ कुछ ज्यादा होता है यहाँ पर हाई प्रेशर है हाई प्रेशर से बिल्कुल प्रेशर डाउन कर दिया जाता है, जैसे प्रेशर डाउन करेगा तो कैसे किसके मदद से कैपिलरी ट्यूब की मदद से, इतना प्रेशर डाउन करेगा टेम्परेचर भी पूरा डाउन हो जाएगा, तो प्रेशर इतना ही कम करना पड़ता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है पूरा यहाँ का टेम्परेचर वो कितना डिग्री 2 से
डिग्री सेल्सियस या 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल। नॉर्मल भाषा में पूरा बोलेगा तो आउटडोर का डिस्चार्ज पाइप, पतला पाइप क्या बोलते हैं, आउटडोर का डिस्चार्ज पाइप। और इसको क्या बोलेंगे, सर्विस वाल्व। ये पूरा खुला हुआ रहेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना, जैसे ये उसे ये भी ये पूरा खुला हुआ रहेगा। यहां से गैस बाहर निकला कहां चला गया, इसको बोलेंगे डिस्चार्ज वाल्व। बाकी ये विंडो में नहीं रहेगा, फ्रिज में नहीं रहेगा, सिर्फ स्प्लिट डेसिमल रहता है पाइप को कनेक्ट करने के लिए, यहां पर सर्विस वाल्व को ऐड किया जाता है। तो यहां जैसे गैस बाहर निकलेगा तो कहां चला जाएगा, कूलिंग कॉइल में। जी पाइप है पूरा कूलिंग कॉइल, यहां से यहां तक पूरा कूलिंग कॉइल, लेकिन ये जो भाग हमको दिख रहा है इसको सर्विस वाल्व बोलते हैं। सर्विस वाल्व कौन सा वाल्व, सर्विस वाल्व, वो भी डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। अब यहां जगह इसको बोलते हैं क्या चीज, कूलिंग कॉइल या आउटडोर का डिस्चार्ज पाइप, पतला पाइप, पतला वाला पाइप जहां से गैस बाहर निकलता है उसको डिस्चार्ज पाइप। तो यहां चला गया इंडोर में, और इंडोर में क्या पूरा पाइप लपेटा हुआ जो फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इंडोर में जैसे जाएगा पूरा क्या बोलेंगे इसको, कूलिंग कॉइल। अब कूलिंग कॉइल में जाएगा तो क्या करता है, ये पूरा टेम्परेचर डाउन है 2 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब कूलिंग कॉइल क्या काम करता है कि रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, क्या रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग सेट किए हैं सोलर पे, चाहे जो भी सेट किया है आउटडोर चालू किया, तो इसका पूरा टेम्परेचर कूलिंग के अंदर जो कूलिंग कॉइल लपेटा है उसका टेम्परेचर कितना, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही चलेगा ना तो हवा रूम के अंदर से हवा खींचता है, तो हवा जैसे ही खींचेगा तो कूलिंग कॉइल पे जाकर टकराता है, क्या कूलिंग कॉइल पे जाकर टकराएगा। जैसे कूलिंग कॉइल पे जाकर टकराएगा तो कूलिंग कॉइल तो ठंडा है, और वहां से लगाते हवा लिया 30 डिग्री सेल्सियस के, रूम पर टेम्परेचर कितना 30 डिग्री। तो हवा कूलिंग कॉइल क्या लिया, इंडोर जो है बराबर लिया 30 डिग्री सेल्सियस हवा इनपुट लिया, और आउटपुट जो निकल रहा मान लीजिए 18 डिग्री, 20 डिग्री, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर निकलेगा। अब मैं यहां पर आपको समझना क्वेश्चन क्या है, कूलिंग कॉइल क्या काम है। इसमें से लगभग 90% बोले कूलिंग कॉइल क्या काम है, कूलिंग करना, लेकिन उसका काम एग्जैक्टली कूलिंग करना है ही नहीं, इसे ठंडा करने काम ही नहीं करता पूरा, इसे काम सोचेगा तो इसे काम जो है ठंडा करने काम ही नहीं है, वो जो टेम्परेचर कंट्रोल करने काम करता है। आप टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है उसमें भी समझिएगा पूरा, अगर क्लियर करिएगा तो इसे काम है हीट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ना, बाहर निकालना। तो कूलिंग कॉइल क्या, कंडेंसर कॉइल क्या काम था, हीट को रिजेक्ट करना, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा कूलिंग कॉइल काम। कूलिंग कॉइल क्या काम है, हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट को अपना अंदर लेना। कूलिंग कॉइल काम एग्जैक्टली क्या होगा, हीट को अपना अंदर लेना। कैसे, जैसे इंडोर चलेगा तो हवा इनपुट आएगा 30 डिग्री सेल्सियस का, जो यहां से आउटपुट निकलेगा, यहां से जो आउटपुट निकलने वाला है वो सबके सब 18 डिग्री 20 डिग्री, मतलब इनपुट लिया 30 डिग्री, हवा सबके सब यहां से निकल रहा, लेकिन हवा निकल रहा टेम्परेचर वहां पर कम हो गया, कितना टेम्परेचर निकल रहा है 18 डिग्री, तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गायब है ना जी। यहाँ पे हवा लिया 30 डिग्री, निकल रहा कितना 20 डिग्री, तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर गायब है। तो वो जो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गायब है वो टेम्परेचर कौन ले लिया, इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल लपेटा हुआ कूलिंग कॉइल ले लिया, और कूलिंग कॉइल क्या करेगा उस हीट को लेकर के, इससे गैस तो बाहर निकला था, उस हीट को लेकर इस पाइप से जो गैस बाहर निकलेगा इसको बोलेंगे सेक्शन है, यहाँ पर पाइप ज्वाइंट रहता है, यहाँ क्या रहता है पाइप ज्वाइंट रहता है, जहां तक ज्वाइंट है उसको बोलते हैं हेडल, कूलिंग कॉइल का हेडल, ये दोनों पाइप क्या बोलेंगे हेडल, उसके बाद इसको डिस्चार्ज लाइन, इसको सेक्शन लाइन, जहां से गैस बाहर आ रहा जिसमें अंदर जाएगा आउटडोर में। तो इसमें क्या होगा, इसके जरिए गैस इसमें जा रहा है इनपुट, और यहां से गैस क्या होगा जो निकलेगा गैस जो आउटडोर में जाएगा उसको क्या बोलेंगे रिटर्निंग पाइप या सेक्शन पाइप। तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की हीट लेकर के कूलिंग कॉइल से डायरेक्टली सेक्शन लाइन से कहां चलाएगा, सेक्शन सर्विस वाल्व पे, सेक्शन सर्विस वाल्व पे। इसमें डिस्चार्ज सर्विस वाल्व पिन वाल्व नहीं लगा हुआ रहता है, इसमें सिर्फ पाइप निकलता, लेकिन जो ये सेक्शन सर्विस वाल्व आपको दिख रहा है इसमें एक चार्जिंग पिन वाल्व भी लगा हुआ, जब हमको कभी गैस के प्रेशर चेक करना है गैस इसमें फुल है कि नहीं, ये कितना प्रेशर है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, बैक प्रेशर कितना है, ये पूरा रेफ्रिजरेंस आकर समझ लिया, फिर उसके बाद गैस के प्रेशर बढ़ाएंगे आगे। अगला आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव करके आगे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से प्रेशर चेक किया जाता है मैनिफोल्ड, जिस मीटर से प्रेशर चेक करते हैं उसको बोलते हैं मैनिफोल्ड गेज मीटर, या प्रेशर गेज मीटर, या कंपाउंड गेज मीटर, या 3 हैंडसेट मीटर, अलग अलग नाम है, है एक ही चीज जो सबके सब प्रेशर चेक करेगा। और जो हम लोग इसमें प्रेशर चेक करेंगे स्पिन को सहायता से, मीटर मीटर जो लगाएंगे वो मीटर जो प्रेशर दिखलाएगा वो PSI दिखलाएगा, क्लियर है, और वो गैस सेक्शन लाइन के माध्यम से फिर से कंप्रेसर में पहुंच जाएगा, जो हीट लेकर मिलेगा, जो हीट लेकर के आएगा वो डायरेक्टली पेपर में बदल जाएगा, पेपर में कहिएगा यहाँ पर इतना डिग्री सेल्सियस पेपर में लिक्विड में, लेकिन यहाँ पर फिर से पेपर में कैसे है,
तो नॉर्मली इस गैस को अगर यहीं पर जगह खाली कर देना या जगह को बड़ा कर दे, बस प्रेशर को डाउन कर दे, मतलब कि आयतन को अगर बढ़ा देना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वो वेपर बदल जाएगा। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म है किस कारण से, हाई प्रेशर की वजह से, लेकिन जैसे ही यहाँ से इसमें छूटा तो प्रेशर तो बिल्कुल डाउन हो गया, जैसे प्रेशर डाउन हुआ तो वो लिक्विड से वेपर बदलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर स्प्रे होगा डायरेक्टली और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो टेम्परेचर लेता ही नहीं ले, ऑटोमेटिकली फिर से वेपर बदल ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर प्रेशर डाउन हुआ जिस कारण से टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन कितना हो गया 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, और पूरा हीट लेने के बाद 10 से 12 डिग्री सेल्सियस जब हीट लिया तो यहाँ टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है? और वही हीट लेकर वेपर का गैस कहाँ चला जाएगा, कंप्रेसर में। ये पूरा पूरा जो है कि इसी को बोलते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस तरह से ठंडा गर्म, यानी कि रूम आप देखिएगा कूलिंग कॉइल क्या काम किया, रूम के अंदर अंदर की गर्मी को लिया और वो गर्मी क्या किया, कंप्रेसर के मदद से, मतलब कूलिंग कॉइल गर्मी लिया कंप्रेसर के मदद से कंडेंसर कॉइल में पहुंचा दिया उस गर्मी को, और वो गर्मी पंखा क्या किया, बाहरी हवा के मदद से और पंखा के मदद से उस गर्मी कंडेंसर कॉइल को, कंडेंसर कॉइल हीट रिजेक्ट कर दिया, कंडेंसर कॉइल से हीट रिजेक्ट हो गया और रूम के अंदर से गर्मी गायब हो गया। यानी कूलिंग कॉइल क्या कर रहा, रूम के अंदर गर्मी ले रहा और उस गर्मी को ये कंडेंसर कॉइल हीट को बाहर निकाल रहा। इस तरह करते करते जब रूम का गर्मी ही बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा रूम ठंडा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आराम से। ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है, तो बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया था, अगला जब आपका पार्ट टू जब इससे बनाएंगे तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा, बाकी अगला जो भी वीडियो आएगा इससे प्रैक्टिकल पूरा डालेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ से हवा इनपुट लेता है, क्या चीज होता नहीं होता, इसमें कौन कौन सामान लगा होता है, पूरा एक एक चीज प्रॉपर इस चैनल पर एक एक वीडियो आपको लगातार डेली डेली आएगा। तो पूरा वीडियो जब भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा, ये चीज समझ लीजिए, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यही चीज है टेक्निकल लाइन में, जितना आपके पास अधिक नॉलेज है उतना ही आप अधिक कमा पाइए, उतना ही दिन तक लंबा आप इस फील्ड में टिके रह सकते हैं। जब तक अपने आपको अपडेट नहीं करिएगा तब तक आगे आप टिक नहीं पाइएगा। तो वीडियो अगर समझ में आ गया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।